नमस्कार प्यारे साथियों, रीजनिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल साथियों, आपके पास यहाँ पे जो ये शब्द है बैंकर, अगर इसके अक्षरों को हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में, जैसे सबसे पहले ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, अप टू यहाँ पे जेड। लेकिन जो अक्षर बैंकर में दिए गए इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके आपको चेकआउट करना है कितने स्थान आपके अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे सबसे पहले बैंकर में आप चेकआउट कीजिए, सबसे छोटा लेटर कौन सा है? ए। तो सबसे पहले बी के नीचे आप ए को इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। ए के बाद इसमें बी, बी के बाद यहाँ पे ई, ई के बाद के, के के बाद यहाँ पे एन और एन के बाद यहाँ पे आर। अब आप चेकआउट कीजिए बैंकर और इसके नीचे जो यहाँ पे अक्षर यूज किए गए इनमें कौन से अक्षर का क्रम एज इट इज है। जैसे बी के नीचे ए, ए के नीचे बी, एन के नीचे ई, ये तीनों अक्षर आपके बदल चुके हैं। जबकि आप के नीचे चेकआउट कीजिए, के नीचे यहाँ पे के है, ये आपका एज इट इज है। ई के नीचे एन यहाँ पे बदल चुका है। लास्ट अक्षर आर, आर के नीचे भी यहाँ पे आर है। इसका मतलब इस शब्द में कितने अक्षरों का क्रम अपरिवर्तित रहा, कितने का साथियों? दो। कौन से? के और आपके पास यहाँ पे आर। ये बैंकर में भी अपने ही प्लेस पे हैं और चेंज करने के बाद भी अपने ही प्लेस पे हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है।